हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर छोटी छोटी बटरफ्लाइज लगती हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, आप बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हो और बड़ों के स्वेटर में भी डाल सकते हो। बनाने में बहुत ही ईजी है। ये देखिए, आज मैं आपको ये बना के बताऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस डिज़ाइन को डालने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे लेने पड़ते हैं। साइडों में दो दो फंदे एडजस्ट के लिए रखने ही पड़ते हैं, इसलिए ये डिज़ाइन अच्छे से चलता है। चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी साइड। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे, एक फंदा हम इस ब्लैक कलर का बना लेंगे, इसको छोड़ देंगे धागे को। अब क्रीम धागा इधर ले आएंगे, चार फंदे हम इसके बनाएंगे उल्टे। ये देखिए, धागा दूसरी साइड छोड़ देंगे। अब ब्लैक कलर लेंगे, इसके हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे। क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, इसके चार फंदे हम उल्टे बना लेंगे, इसको दूसरी साइड छोड़ देंगे। अब हम ब्लैक धागा पकड़ेंगे, इसके दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब क्रीम धागा हम अपनी तरफ लेके आएंगे, इसके चार फंदे उल्टे बनाएंगे, इस धागे को उधर छोड़ देंगे। ब्लैक धागा लेके एक फंदा सीधा बनाएंगे और क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, लास्ट में दो फंदे हम इसके उल्टे बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे ही एडजस्ट होगा। आप जितने भी फंदे डालोगे अपने स्वेटर में उतने डाल सकते हो, तो साइडों में ऐसे ही ये दो दो फंदों के साथ एडजस्ट होगा। अब ये देखिए, हमारी रॉन्ग साइड है। जो सीधी साइड में हमने उल्टे बनाए थे, जो इधर से सीधे हो गए हैं, ये हम दो फंदे अब सीधे बनाएंगे। धागा अपनी साइड, इसको स्लिप करेंगे, धागा दूसरी साइड, चार फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब इस धागे को हम साथ साथ में लेके जाएंगे, ब्लैक को। दोबारा बोलो। इस ब्लैक धागे को हम साथ साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि हमने तोड़ना नहीं है ये। अब ये दो फंदे स्लिप कर लिए हमने, धागा दूसरी साइड, चार फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड, ये दो फंदे हमने स्लिप कर लिए हैं। इस धागे को ऐसे हम साथ साथ लेके चलेंगे, धागा दूसरी साइड, चार फंदे हम सीधे बना लेंगे, धागा अपनी साइड, इसको स्लिप करेंगे, धागा दूसरी साइड, दो फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, हमारी थर्ड रो है। अब देखिए, हम पहले दो फंदे इसके क्रीम के बना लेंगे उल्टे, इसको हम निकाल लेंगे। तीन फंदों को हम निकालेंगे, एक स्लिप किया हुआ और दो बनाए हुए, इसको हम इस रो में ले लेंगे ऐसे। अब इनको हम दोनों को बना देंगे, हमारे चार हो गए हैं यहाँ पे उल्टे। इस फंदे को हम इधर ले आएंगे, इसको हम सीधा बना देंगे अब ब्लैक कलर के साथ ऐसे। धागा छोड़ देंगे, ये चार फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं, धागे को दूसरी साइड छोड़ देंगे। अब इसको हम सीधा बना देंगे ब्लैक के साथ। अब फिर से धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, इस ब्लैक को हम सीधा बना लेंगे। अब फिर से हम तीन फंदे निकालेंगे, एक स्लिप किया हुआ और दो बनाए हुए। जो स्लिप किया हुआ फंदा था, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम सीधा बना देंगे ऐसे।
धागे को छोड़ देंगे। अब हम क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, एक दो, दो फंदे हमारे क्रीम के हो गए हैं। अब तीन फंदे हम निकाल लेंगे, एक स्लिप किया हुआ, दो बनाए हुए, इसको हम इधर ले आएंगे, इस फंदे को हम इधर ले जाएंगे ऐसे। इन दोनों को भी अब हम उल्टा बना देंगे क्रीम धागे के साथ ऐसे, धागा दूसरी साइड। अब ब्लैक धागा पकड़ेंगे हम, इसको सीधा बना देंगे, फिर से तीन फंदे निकालेंगे, जो स्लिप किया हुआ फंदा था इसको हम इधर ले आएंगे ऐसे, इसको हम सीधा बना देंगे ऐसे। अब क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, ये दो फंदे हम उल्टे बना देंगे क्रीम के, फिर से तीन फंदे निकालेंगे ऐसे, बनाए हुए फंदे इधर ले आएंगे, स्लिप किया हुआ फंदा हम इधर ले जाएंगे ऐसे। अब इनको उल्टा बना लेंगे, फिर से हमारे बीच में चार क्रीम हो जाएंगे, इसको इधर छोड़ देंगे, ब्लैक पकड़ेंगे, इसको सीधा बना लेंगे, और फिर से तीन फंदे निकालेंगे, इनको इधर डाल लेंगे और स्लिप किया हुआ इधर ले आएंगे, इसको सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ। अब हमारे चार फंदे उल्टे आ गए हैं, हम इनको उल्टा बनाएंगे ऐसे, ये देखिए। अब ये हमारी फोर्थ रो है, रोंग साइड है। फोर्थ रो को हम क्रीम कलर के साथ सिंपल बनाएंगे ऐसे ही, पूरी को उल्टा उल्टा बना के हम कंप्लीट कर देंगे। इस ब्लैक वाले धागे को हम साथ साथ लेके चलेंगे दूसरी साइड, क्योंकि हमने ये धागा तोड़ना नहीं है, इसको ऐसे हम साथ साथ लेके ही चलेंगे। ये देखिए, ये फोर्थ रो का ही डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, क्रीम कलर के साथ एक सीधी और उल्टी रो गैप के लिए डाल देंगे। ये सीधी रो हमारी सिंपल बना के कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी रो भी ऐसे ही बना लेंगे, उसके बाद आगे आपको डिज़ाइन बताते हैं क्या करना है। इसको भी हम ऐसे ही सिंपल बना लेंगे पूरी रो को उल्टा उल्टा, ये देखिए। अब हम दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, ऐसे सेम नीचे से किया ऐसे ही करेंगे। पहले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी साइड छोड़ देंगे, एक फंदा हम ब्लैक के साथ सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे बनाएंगे क्रीम कलर के साथ, धागा दूसरी साइड छोड़ देंगे। अब दो फंदे ब्लैक के साथ हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड क्रीम ले लेंगे, और क्रीम धागे के साथ हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को दूसरी साइड छोड़ देंगे। अब ब्लैक धागा लेके उसके साथ हम सीधे दो फंदे बनाएंगे, धागे को छोड़ देंगे, क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को दूसरी साइड छोड़ देंगे, ब्लैक धागा लेकर इसके साथ एक फंदा सीधा बनाएंगे,
इसको छोड़ देंगे और क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, दो फंदे लास्ट में उल्टे बना देंगे। ये देखिए, अब ये हमारी रॉन्ग साइड है सेकंड रो है इस डिज़ाइन की। दो फंदे हम पहले सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप कर लेंगे ब्लैक को, धागा दूसरी साइड, चार फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब जो ये ब्लैक वाला धागा है इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे ऐसे। अब इनको हम स्लिप करेंगे दोनों फंदों को, धागा दूसरी साइड, चार फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। ये ब्लैक धागे को हमने साथ ले लेना है ऐसे, इनको स्लिप करेंगे, धागा दूसरी साइड, चार फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा दूसरी साइड, दो फंदे सीधे बनाएंगे लास्ट वाले। अब ये हमारी थर्ड रो है, राइट साइड है। पहले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, अब हम तीन फंदे निकाल लेंगे, एक स्लिप किया हुआ और दो बनाए हुए। इन दो फंदों को हम इधर ले आएंगे, ब्लैक वाला फंदा हम इधर ले जाएंगे ऐसे। अब इन दोनों को हम उल्टा बना देंगे, यहाँ पे हमारे चार फंदे हो गए हैं, धागा दूसरी साइड छोड़ देंगे, इस ब्लैक फंदे को हम ब्लैक धागे के साथ सीधा बनाएंगे। अब फिर से हम तीन फंदे निकाल लेंगे, क्रीम फंदे हम इसमें ले लेंगे और ब्लैक फंदा हम यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे हमारे दोनों ब्लैक इकट्ठे हो जाएंगे, इसको हम सीधा बना देंगे, इस धागे को हम छोड़ देंगे। अब क्रीम धागा हम अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे। अब इसके ये वाले दो फंदे बना लेंगे उल्टे, तीन फंदे निकालेंगे, क्रीम वाले फंदे हम इधर ले आएंगे, ब्लैक वाला फंदा हम इधर ले जाएंगे, हम बीच में चार फंदे क्रीम इकट्ठे कर देंगे, ऐसे हो जाएंगे, धागा दूसरी साइड छोड़ देंगे और ब्लैक सीधा बनाएंगे। फिर से तीन फंदे निकालेंगे, बनाए हुए फंदे इस सिलाई में ले लेंगे और स्लिप किया हुआ ब्लैक फंदा इधर ले आएंगे। अब हम इस ब्लैक को सीधा बना देंगे, धागा छोड़ देंगे, क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे। अब इसके हम ये दो फंदे बना लेंगे उल्टे ऐसे। अब फिर से तीन फंदे निकालेंगे, दो फंदे हम इस सिलाई में ले लेंगे और जो क्रीम ये वाला ब्लैक फंदा स्लिप किया हुआ है इसको हम इधर ले आएंगे। अब ये क्रीम वाले दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ये हमारे चार फंदे हो गए हैं फिर से बीच में, धागा दूसरी साइड, अब ब्लैक को हम सीधा बना लेंगे। अब फिर से तीन फंदे निकालेंगे, ये वाले बनाए हुए फंदे इसमें ले लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इधर ले आएंगे ऐसे। अब इसको हम सीधा बना देंगे ऐसे, क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, ये थर्ड रो हो गई है हमारी इस डिज़ाइन की। अब जो उल्टी रो है उसको हमने क्रीम कलर के साथ उल्टा उल्टा बनाना है। इस रो को हमने पूरी को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है और ब्लैक वाले धागे को हमने साथ साथ लेके चलना है, इसको हम बार बार तोड़ेंगे नहीं ऐसे। ये देखिए, हमारी फोर रो हो गई है, फोर्थ रो का ही डिज़ाइन है। अब हम सीधी उल्टी क्रीम प्लेन बनाएंगे ऐसे ही सिंपल, एक सीधी और एक उल्टी गैप के लिए।
ये सीधी और उल्टी रो बनाने के बाद एक डिज़ाइन में आपको और बता देती हूँ। ये देखिए सीधी और उल्टी रो मैंने डाल ली है। अब देखिए दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, इस धागे को उधर छोड़ देंगे, एक फंदा हम ब्लैक का बनाएंगे सीधा, ऐसे धागे को छोड़ देंगे। अब क्रीम वाला धागा हम अपनी तरफ लेके आएंगे, चार फंदे इसके साथ हम उल्टे बनाएंगे, धागे को दूसरी साइड छोड़ देंगे, दो फंदे हम ब्लैक बनाएंगे सीधे, धागे को अपनी तरफ क्रीम को लेके आएंगे और क्रीम धागे के साथ हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को उधर छोड़ देंगे, दो फंदे हम ब्लैक धागे के साथ सीधे बनाएंगे। अब क्रीम धागा हम अपनी तरफ लेके आएंगे, चार फंदे हम इसके साथ उल्टे बनाएंगे, धागे को दूसरी साइड छोड़ देंगे। अब ब्लैक धागे के साथ हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, दो फंदे हम इसके साथ उल्टे बना देंगे। ये हमारी इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो हो गई है। अब ये सेकंड रो है हमारी, दो क्रीम हम सीधे बना देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, ब्लैक वाला स्लिप कर देंगे, धागा दूसरी साइड लेके जाएंगे, चार क्रीम सीधे बना देंगे, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, ये दो ब्लैक स्लिप कर देंगे। अब ये ब्लैक धागा हमने साथ साथ लेके जाना है, ऐसे धागा दूसरी साइड, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे स्लिप करेंगे, धागा दूसरी साइड, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा दूसरी साइड, लास्ट वाले दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए इस डिज़ाइन की हमारी ये थर्ड रो है। दो फंदे हमने उल्टे बना लिए, अब तीन फंदे हम निकाल लेंगे, बनाए हुए फंदे हम इधर ले आएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इधर ले जाएंगे। अब ये फंदे हम उल्टे बना लेंगे, हमारे चार फंदे क्रीम उल्टे हो गए हैं, धागा दूसरी साइड और ब्लैक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब फिर से हम तीन फंदे निकालेंगे, बनाए हुए फंदे इस सिलाई में ले लेंगे और स्लिप किया हुआ इस फंदे के साथ ले आएंगे, दो ब्लैक हो जाएंगे अब हमारे, इसको हम सीधा बना देंगे, धागे को छोड़ देंगे, क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे। अब ये दो फंदे हम क्रीम बना लेंगे। अब फिर से हम तीन फंदे निकालेंगे, बनाए हुए फंदे इधर ले आएंगे और स्लिप किया हुआ इधर ले जाएंगे। अब हमारे चार बीच में क्रीम हो गए हैं, इन दोनों को हम क्रीम बना लेंगे। ये देखिए चार बन गए हैं, धागे को छोड़ देंगे दूसरी साइड और ब्लैक को सीधा बना लेंगे। फिर से तीन फंदे निकालेंगे, ये दो फंदे बनाए हुए इसमें ले लेंगे और स्लिप किया हुआ इधर ले आएंगे। अब इस ब्लैक को हम सीधा बना देंगे, हमारे दो ब्लैक हो गए हैं यहाँ पे। क्रीम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, ये वाले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे निकालेंगे, बनाए हुए इधर ले लेंगे, स्लिप किया हुआ इधर ले जाएंगे। अब इन दोनों को हम उल्टा बना देंगे। अब बीच में फिर से हमारे चार क्रीम हो गए हैं। अब इस सीधे फंदे को हम काले को सीधा बना देंगे ऐसे। अब इन तीन फंदों को निकालेंगे, बनाए हुए इसमें ले लेंगे और ये ब्लैक वाला इसके पास ले जाएंगे। ऐसे हमारे दो ब्लैक हो गए हैं। क्रीम धागा फिर से हम अपनी तरफ लेके आएंगे और लास्ट में हमारे चार फंदे क्रीम हो गए हैं, इनको हम उल्टा बना देंगे। ये देखिए इस डिज़ाइन की ये तीन रो हो गई हैं। जो फोर्थ रो है उसको प्लेन बनाना है। ऐसे ही इसको हम सिंपल बना देंगे, उल्टा उल्टा बना के इसको पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे। और ब्लैक धागा हम साथ में लेके चलेंगे। ये देखिए इसको हमने साथ साथ लेके जाना है, इसको बार बार हम तोड़ेंगे नहीं।
फोर रो का हमारा डिज़ाइन है ये। ये गैप हमने दो सिलाइयों का दिया है, एक सीधी और उल्टी रो डाली है यहाँ पे बीच में। अगर आप इसका गैप ज़्यादा करना चाहते हो तो फोर कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर इतना ही गैप रखना है आपने इनके बीच में तो आप टू रोज़ डाल लो। ये देखिए बहुत ही प्यारी छोटी छोटी बटरफ्लाई बन के आती हैं हमारी, बहुत ही सुंदर लगती है, बनाने में बहुत ईजी है। ये देखिए इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो। अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इसी तरह नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।